आज बहुत दिनों के बाद मैं एक नॉनवेज डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली ये मेरा सेकंड नॉनवेज डिश है, इससे पहले मैं फ़िश बना चुकी हूँ, तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखना और भर भर के लाइक देना। आज मैंने बनाया है मोरक्कन चिकन फ्राई, जो कि बहुत ही लाजवाब डिश है। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैंने एक जगह खाया था तो मुझे आइडिया मिला उससे, तो मैंने उसको अपने तरीके से बनाया है। उसमें जो ऑथेंटिक मोरक्कन चिकन में जाता है, शायद मैंने उससे थोड़ा बहुत चेंज किया हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और प्लीज़ हमें फीडबैक भी बताना, हमें कमेंट्स भी करना। चिकन फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन लेंगे। इस चिकन को मैंने नॉर्मल सॉल्ट एंड पेपर एंड लेमन जूस के साथ मैरिनेट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लेंगे। हम मेरे पास यहाँ बेल पेपर्स हैं, ग्रीन चिली है एंड अनियंस है, तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। ग्राइंड कर लिया है, आप चाहो तो इसे कूट भी सकते हो। इसके अंदर में मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, और हम सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मेरे पास जो यहाँ मैरिनेटेड चिकन है उसके अंदर में मैं 1 चम्मच ये मसाला डाल दूंगी। इसके बाद इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल, और ये जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए इसे ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत अच्छा इसमें रेड कलर आ गया है, ये देखिए। अब इस चिकन को सेम बॉल में निकाल लेंगे। और वापस से हम इस पैन को चढ़ा देंगे। जो हमारा बेल पेपर्स है, अनियन है, जो भी वेजिटेबल्स है, हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है, जो रिमेनिंग ऑयल इसके अंदर बचा हुआ है बस उतना ही डाला है, और इसे हम सॉटे कर लेंगे। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर बस 5 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। मेरा अच्छे तरीके से भुन गया है, बिल्कुल एकदम गला कर नहीं भुनाना है, इसे हल्का क्रंची रखना है, तो ये मेरा रेडी है। अब ये जो है ये सेम मैं चिकन के साइड में रख दूंगी, आप चाहो तो अलग बॉल में भी रख सकते हो। ये सेम पैन में यूज कर रही हूँ और इसके अंदर जाएगा फिर से 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट,
और इसे हल्का सा हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये हल्का सा भून गया है, अब ये जो रिमेनिंग हमारा मसाला है ड्राई मसाला वो हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हल्का सा हम टॉस कर लेते हैं। बस इसे एक मिनट के लिए, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर में या तो आप फ्रेश टोमेटो प्यूरी यूज़ कर सकते हो या मैं, मेरे ये बाज़ार वाला है तो इसके अंदर में एक चम्मच में डालूंगी, ये बड़ी चम्मच का एक चम्मच डाला मैंने, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक कप चिकन स्टॉक है, मैं वो डाल दूंगी और इसे सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर में मैंने स्टार्टिंग में मैरिनेशन में भी सॉल्ट डाला है तो इसके हिसाब से मैं देखकर थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और हम सारी चीज़ों को फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पर वेजिटेबल्स एंड चिकन एवरीथिंग इसके जाएगा अंदर और इसे हम अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर में कोट कर लेंगे। मैंने इसे थोड़ा सा जो मुराकन चिकन बनता है उससे थोड़ा डिफरेंट बनाया है, उसमें टोमेटो जूस भी जाता है, मैंने इसमें चिकन स्टॉक यूज़ किया है तो मैंने इसे थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया है लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं इसके अंदर। अब इसे हम एक मिनट के लिए इस मसाले के साथ कुक होने देते हैं और उसके बाद हम करेंगे इसे सर्व। इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। और इसी बीच हमें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।